तो ये हम लोग को मिल गई थी बस अल्मोड़ा की, डायरेक्ट योगेश्वर की बस का वेट करने से अच्छा मुझे ये लगा कि अल्मोड़ा की बस पकड़ के और पहुँचो अल्मोड़ा। फिर अल्मोड़ा से तो बहुत सारी गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी आगे जाने के लिए, और ये हमें आगे की सीट भी मिली है तो वीडियोस भी अच्छी आएंगी। तो ये एक लंबा चौड़ा जाम लगा हुआ है क्योंकि वहाँ पे देखिए अब रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो उस वजह से काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है। जाम भी नहीं कहेंगे, रोक रखा है ट्रैफिक को। अब वो जब वो कर लेगा, उसको शांति मिल जाएगी, तब ये ट्रैफिक को वापस से चालू किया जाएगा। तो ये खड़ी हमारी बस भी इसी लाइन में, ऐसे ही आपको रास्ते में कई जगह देखने को मिल जाएगा। अभी हम लोग आए थे तो ये मतलब फर्स्ट टाइम नहीं रुके हम, तीसरी चौथी बार रुक रहे हैं। और देखिए पीछे भी लंबा जाम लगा हुआ है। ये पहले ही वॉर्न किया था एक दुकान वाले ने कि साहब जल्दी से निकल जाना वरना बहुत जाम मिलेगा, मतलब ऐसे रोकते रहेंगे बीच बीच में। तो ठीक है भाई, कोई नहीं, मतलब इतना तो एक्सपेक्टेड है। बाकी अगर मैं शांत हो जाऊँगा तो आपको सुनाई देगी जो यहाँ साउंड है, नेचुरल साउंड जो आ रही है, नदी की बहने की आवाज़ है और झिंगोरों की आवाज़ है, चिड़िया के चहचहाना है, बहुत कुछ है, बहुत सारी मिक्स साउंड है। कितना सुंदर लग रहा है सब। Many unbearable hours later. वो जाम तो खुल गया और हमारी गाड़ी भी अब चल चुकी है। अभी बच रहे हैं 12, लगभग डेढ़ घंटे से हम लोग वहाँ पे खड़े थे और ड्राइवर भैया कह रहे थे कि यार 12 बजे तो हमारा पहुँचने का टाइम होता है अल्मोड़ा, और अभी तक हम सिर्फ 10 ही किलोमीटर आए हैं, तो काफ़ी लेट चल रहा है। लेकिन हम देखेंगे धीरे धीरे करके निकलेंगे और देखते हैं कब पहुँचते हैं। पता नहीं है, ये जो कंस्ट्रक्शन तो रोड पे कई जगह चल रही हैं, तो ऐसा रुकना सिर्फ यहीं होता है या आगे भी मिलेगा। तो आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा, और ऐसा हमने डिसाइड किया है कि आज हम अल्मोड़ा में ही रुकेंगे और कल सुबह निकलेंगे जागेश्वर के लिए। और मैं सही था, जागेश्वर ही बोला जाता है ना कि जोगेश्वर। तो हाँ, कल सुबह हम बस पकड़ के वहाँ जाके अपना दर्शन करके फिर वापस आएंगे और अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा से निकलेंगे काठगोदाम की ओर, और भैया वहाँ से अपनी ट्रेन पकड़ेंगे, मैं वहाँ से अपनी बस दिल्ली के लिए। तो ये प्लान है। बाकी अभी हम लोग अल्मोड़ा में, हमने सोचा जब रुक ही रहे हैं तो क्यों ना अल्मोड़ा को एक्सप्लोर किया जाए। तो यहाँ पे एक मंदिर है, चित्तई गोलू देवता का मंदिर, तो वो घूमने हम निकल रहे हैं अभी। उसी को देखना है कि उसकी गाड़ी वगैरह कहाँ से मिलेगी, और उसके बाद हमें यहाँ पे कोई कुंड है बहुत प्रसिद्ध कुंड, वहाँ पर भी जाएंगे। तो अभी देखते हैं। ₹50 की सवारी वाली जीप पकड़ के हम लोग आ चुके हैं अब चित्तई गोलू देवता मंदिर। और मैंने मैप पे देखा था तो यार ये कहीं और ही दिखा रहा था, उस ड्राइवर भैया ने कहीं और ही लेके आए हैं ये, बट मैंने अंकल जी गाड़ी। तो चलिए चलते हैं मंदिर के लिए, चलते हैं। अंदर जूता चप्पल रखने का नहीं है क्या? है भैया। अच्छा, गेट के अंदर है ना, जूते चप्पल भी रख सकते हो, हाथ हाथ भी धोने का है सब, और साथ ये ले जाओ। नहीं कुछ और नहीं। तो चलिए चलते हैं अब मंदिर के अंदर, और
जूते चप्पल उतारने के अंदर सुविधा है, तो आप लोग बाहर ही जूते चप्पल फोर्स फुली रख के मत आइएगा। अगर ढूंढ लेते हैं कि चप्पल जूता रखने का कहाँ है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, पहले दर्शन करके आते हैं, फिर मैं आपको एक बहुत ही खास फैक्ट बताऊंगा इस मंदिर के बारे में। अभी फ़ोन रखते हैं क्योंकि मंदिर में फ़ोन यूज़ करना इट्स नॉट अ गुड थिंग। इस मंदिर में आप देखेंगे तो बहुत सारी घंटियां बंधी हुई हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे लेटर्स भी बांधे गए हैं। ये जो लेटर्स हैं इसमें लिखे हुए हैं वो चीज़ें जो लोग चाहते हैं और उनको लिख कर उन्होंने मन्नतें मांगी हैं। इट्स लाइक अ लेटर टू द गॉड। उन्होंने जो चेताई गोलू देवता हैं उनसे उनको एक चिट्ठी लिखी है अपनी मनोकामना मांगने के लिए, और जब वो पूरी हो जाती है जो भी उन्होंने मांगा है उनकी इच्छा जो है वो जब पूरी होती है तो वो आके ये घंटी यहाँ पर बांध कर जाते हैं। इसलिए आपको उधर ये चिट्ठी दिखेगी, इधर ये घंटी दिखेगी, है ना कितनी कमाल की बात। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। और एक और देवी का टेंपल है यहाँ पे, कारा देवी का, और माना जाता है कि वो जिस पहाड़ी पे है वो मैग्नेटिक पहाड़ी है, तो वहाँ पे अगर आप मेडिटेट करते हैं तो एक कुछ अलग अनुभव होता है। तो विदेशी यहाँ बहुत आते हैं तो हम लोग भी चलेंगे, देखें कैसा क्या है वहाँ पे। अगर गाड़ी मिलती है तो चलेंगे, नहीं मिलती तो कोई सेंस ही नहीं बनता। बट अब जैसा जिसका बुलावा आया हो वैसे हम वहाँ पहुँचेंगे। अब जब पूजा हो गई है तो पेट पूजा भी कर ली जाए। तो यार भूख लगी थी बहुत तेज, तो भैया का चाय पीने का मन था, तो मेरा तो ऑब्वियसली हमेशा ही मन रहता है चाय पीने का, तो हमने ली है चाय और ये गर्मा गर्म प्याज की पकौड़ियाँ। चलिए नाश्ता पानी तो हो गया, अब बारी है गाड़ी पकड़ने की। और लेकिन जैसे हमने यार सोचा कि चलो गाड़ी पकड़े, वो गाड़ी वाला भर के चला गया और ये गौ माता आ रही है आप लोगों से मिलने के लिए। खुद फॉलो करके आई हैं, मैंने नहीं बुलाया है कि आप कहें कि व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ, नहीं 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 खुद आ रही हैं। तो अभी जो लाइक कपल थे, एजेड कपल थे, उन्होंने कहा कि यार हमारी फ़ोटो खींच दो, तो जब मैंने फ़ोटो खींचने के लिए उनका फ़ोन पकड़ा तो ये गौ माता मेरे पीछे आने लगी और काफ़ी देर तक, मतलब मैं जहाँ जाऊँ वहाँ आ जाएँ भागते हुए। तो पहले तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा डर लगा कहीं मार ना दे, लेकिन जब थोड़ा सा प्यार किया तो लगा कि शी इज़ जस्ट हंग्री फॉर लव। तो एक दो बार जब उनको सहलाया उनके सर पर तो वो खुद ब खुद चली गई। तो वही अंकल उसमें से बोल रहे थे कि बेटा तुम पे गौ माता का आशीर्वाद बना हुआ है। उनका बस ऐसे ही भगवान आशीर्वाद बना कर रखें और बुलाते रहें अलग अलग जगहों पे। खैर अब गाड़ी नहीं आ रही तो मैं ऐसे ही फालतू बातें करता रहूँगा, तो इसलिए भी मैं कैमरा बंद करता हूँ वरना आप लोग पक जाएंगे और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हमें गाड़ी मिल गई थी, वही बुलेरो मिली थी, और वो लेके आ गया हमें एंटिटी चौक तक जहाँ से हमें गाड़ी मिलेगी तथा देवी के लिए। तो वो नीचे से चला गया, हमें कैसे ऑफ रोड पकड़ के ऊपर आए और अब जा रहे हैं उस चौक पे जहाँ से कसार देवी की गाड़ी मिल जाएगी। ये है इसका नाम, STD लिखा है तो पता नहीं। तो ये हम आ चुके हैं उस चौराहे पे जहाँ से हमें गाड़ी मिलनी है कसार के लिए। अगर आप ऊपर देखेंगे तो दिखेगा भी कसार देवी 5 किलोमीटर। बस वेट करते हैं, इधर से जो गाड़ी आएगी और जो ऊपर की तरफ जाएगी वही पकड़ के हमें जाना है। तो ठीक है, वेट करना पड़ेगा, वेट ही कर रहे हैं हर चीज़ का, तो इसका भी वेट करते हैं। आधा घंटा हो चुका है वेट करते हुए इसी सेम चौराहे पे और अभी तक कोई गाड़ी नहीं मिली। गाड़ी एक दो गाड़ियाँ आई लेकिन दोनों एकदम भरी हुई थी,
एक भी बंदे बैठने की जगह नहीं थी, इसलिए वो उनको स्किप करना पड़ा। और अब वेट कर रहे हैं कि हाँ कोई गाड़ी आए, बट नहीं आ रही है। और सब होप दिए जा रहे हैं आसपास से, जैसे गाड़ी वाला या दुकानदार, कि आएगी, बहुत सारी गाड़ियाँ आएगी, बट नो लक टिल नाउ। तो फाइनली हमें गाड़ी मिल गई, छोटी ऑल्टो, और इसमें बहुत ही कंजेस्टेड ढंग से हम लोग बैठे। दिखाता हूँ, भैया बैठे, मैं बैठा हूँ, ड्राइवर भैया जी हमारे एक ही सीट पर, छोटे से ऑल्टो में। तभी कहते हैं कि ऑल्टो लॉर्ड ऑल्टो है, ये सच में भगवान है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं कसार देवी मंदिर के जो रास्ते पर, और तो इसी चढ़ाई है, ज़्यादा नहीं है, होगी मतलब यही 8-9 किलोमीटर की, ऐसी मजाक कर रहा हूँ, नहीं 8-9 किलोमीटर की नहीं है, बस वो रहा मंदिर। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। कहा जाता है कि इस पहाड़ी पर पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है, जिस वजह से जो भी यहाँ पे आके मेडिटेट करता है, या कह लें कि इवन प्रे भी करता है, सब तो आके मेडिटेट नहीं करते, इवन प्रे भी करता है या योगा करता है, एनीथिंग लाइक दैट, तो उसको एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। ये मैंने शायद ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, लेकिन अब हम लोग यहाँ आ चुके हैं तो भी बताना ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं मंदिर में और फिर बात करते हैं। इस मंदिर के रास्ते में आपको छोटी सी ट्रैकिंग मिलती है, बट ये ज़्यादा नहीं होगी, मतलब 1 किलोमीटर के आसपास होगी, और इतना हार्ड नहीं है, बस स्टिल अगर आप भागेंगे दौड़ेंगे तो यू माइट फील फटीक, अदरवाइज इट्स फाइन। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, सीढ़ी भी है, रोड भी है, सो विच ऑप्शन वी शुड टेक, और दोनों पे बंदर हैं वैसे, ये वाला सीढ़ी। चलिए, वैसे सीढ़ी पे थकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मीटर की ऊंचाई पे बसा ये मंदिर कसार देवी का, कितना ही अद्भुत लग रहा है। तो चलिए माता रानी का नाम लेते हैं और फटाफट से चलते हैं दर्शन करने। कैमरा बंद करेंगे दर्शन के वक्त, दर्शन करके निकलेंगे तो फिर आपको मैं आसपास का जो व्यू है वो दिखाऊंगा। हम आए तो हमें पता लगा कि मंदिर बंद हो चुका है, क्योंकि आज ग्रहण लगने वाला है, तो इसलिए सारे मंदिर आज बहुत ही जल्दी बंद कर दिए गए थे। इवन जो हम सुबह गए थे कैंची धाम, वहाँ का मंदिर भी 4 बजे तक बंद हो जाना था, लेकिन यहाँ पे खिड़की है छोटी सी, इस खिड़की से आपको माता रानी के दर्शन हो जाएंगे। तो मंदिर बंद होने के बाद भी ठीक है, पूजा करने का मौका नहीं मिला, लेकिन दर्शन माता ने भरपूर दिए हैं, और माता ने जो मेहनत हमने की माता तक पहुंचने के लिए, उसकी लाज रखी, और कहूँगा मैं कि हमारा दिन ख़राब होने से बचा लिया। और यहाँ से आप नज़ारा देखिए कितना खूब है, जो कसार देवी माता का मंदिर है उसके पीछे के दरवाजे से आप पहुँच जाते हैं भगवान शिव के मंदिर पर, वो रहा महादेव का मंदिर। तो जहाँ महादेव रहे वहाँ हम ना जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। महादेव के मंदिर से बाहर निकलने के बाद आपको एक छोटा महादेव का मंदिर और दिखता है, और ये ओपन में है। यहाँ का तो पूजा का अपना अलग आनंद होगा, बहुत ही सुंदर। मैं आपको इसकी सुंदरता ना, अब तो मेरा मतलब फ़ोन भी चेंज हो गया है, नाउ आई हैव अ बेटर कैमरा, बट स्टिल आई डोंट थिंक आई कैन शो यू व्हाट आई कैन सी राइट नाउ। इट्स फैबुलस, सी, एंड देन हियर इज योर महादेव, इट्स वंडरफुल इजंट इट। दिस इज द ओनली थिंग व्हिच कैन फिक्स आवर मिजरेबल लाइफ।
तो चलिए वक्त आ गया यहाँ से निकलने का। अगर आप लोग भी अल्मोड़ा के आसपास आते हैं तो कसार देवी कोशिश करिएगा कि आप आ सके। यहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड वाली जो चीज़ें हैं वो मुझे तो नहीं समझ में आई खास, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ पे हो नहीं सकता। हो सकता है मेरी टेक्निक में कुछ मेरी टेक्निक ही गलत हो, बट दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। यहाँ पे जो सराउंडिंग है ना वो है, ऐसा है ही कि आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो मतलब यहाँ का सराउंडिंग एज अ कैटलिस्ट काम करता है मेडिटेशन के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड तो मतलब सेकंड फैक्टर हो सकता है, लेकिन प्राइमरी फैक्टर तो यही है कि इतनी शांति है और हल्की हल्की हवा हमेशा आपके चेहरे पे लगती रहेगी। दूसरा, आप जहाँ बैठे होंगे उसके सामने आप जब आँख खोल के देखेंगे तो मतलब चारों तरफ से इतना सुंदर, चारों तरफ से पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ आपको दिखेंगी, इतनी सुंदर सीनरीज आपको दिखेंगी कि ऑटोमेटिकली आपका जो इंटरनल सोल है वो रिलैक्स करेगा। तो यही है, मतलब फाइनल एक्सपीरियंस था, मैं यही बोल सकता हूँ। ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहिए किसी चीज़ के बारे में, वरना उसकी वैल्यू ख़राब होती है। तो अब बस हम यहाँ से चलते हुए अब नीचे जाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत फ़ोटो खिंचवाएंगे और उसके बाद निकलेंगे। कसार देवी के बारे में एक बहुत ही कमाल का फैक्ट ये है कि यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने आके ध्यान लगाया था, और ये इन्होंने 1890 में किया था। और यहाँ पे जब ये ध्यान लगा रहे थे और जस्ट क्लाइमैक्स पे थे कि मतलब ही वुड हैव गॉट हिज स्पिरिचुअलिटी एनलाइटमेंट और वट एवर वी कॉल इट, वो जैसे ही होता उससे पहले उनको समझ में आया कि नहीं, उनको ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, एंड ही केम बैक टू द रियल वर्ल्ड। और बाकी तो आप सब जानते ही हैं फिर वो कितना फ़ायदेमंद रहा है हमारी ह्यूमैनिटी के लिए। तो चलिए शूज़ पहन लेते हैं और चलते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी निकलना है हमें जागेश्वर के लिए भी। नहीं दिख रहा है, ये सामने आप देख पा रहे होंगे हिमालय की चोटियाँ, ये सामने है नंदा देवी, उसके बगल में है त्रिशूल। अब मतलब कन्फ्यूजन है मुझे कौन सा त्रिशूल है कौन सा नंदा देवी है, लेकिन सबसे ऊंची वाली इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सबसे ऊंची वाली ये हैं सबसे ऊंची, तो ये में भी नंदा देवी होंगी और ये त्रिशूल होगे। तो लेकिन फिर भी आप देख पा रहे होंगे कितना क्लियर व्यू है, और यहाँ से बहुत दूर है हिमालय, लेकिन आप सोच सकते हैं कि वो कितना भव्य है कि वो इतना साफ यहाँ से भी दिख रहा है। सब उनका खेल है, अद्भुत। तो जब हम लोग उतरे ऊपर मंदिर से नीचे की ओर तो हमें गाड़ी नहीं मिल रही थी, काफ़ी देर हमने वेट किया 40-45 मिनट, कोई गाड़ी नहीं मिली, क्योंकि शाम को गाड़ियों का थोड़ा सा दिक्कत होता है। तभी पीछे एक दुकान थी, वहाँ पे सर आए, ये गाड़ी है सर, और हमने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि रुको मैं अपना काम कर लेता हूँ, फिर अगर आपको गाड़ी नहीं मिलती तब तक तो चल लेंगे। तो हमें तब तक गाड़ी नहीं मिली थी, तो ये जब चले तो इन्होंने हमें बैठा लिया। भगवान हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के भेज ही देता है। तो सर ने हमें उतार दिया यहाँ पे और मात्र 20 रुपये पर बंदा लिया, जबकि हम गए थे 50 रुपये देकर, पर आए से 20-20 रुपये देकर, तो अब मतलब काफ़ी सस्ता लगा मुझे। और अभी हम लोग आ चुके हैं उस चौराहे पे जहाँ से हम गए थे ऊपर, एनटीटी चौराहा जो था। अब इधर जाएगा जागेश्वर के लिए, इधर जाएगा अल्मोड़ा के लिए, और ऊपर से भी हम नीचे आए हैं इस वाले रास्ते से। तो अब वेट करते हैं, जो भी गाड़ी इधर जाएगी उसको हाथ देंगे, उसको बोलेंगे जागेश्वर, अगर जागेश्वर जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आरतोला पूछेंगे, अगर आरतोला जाता है तो आरतोला चले जाएंगे। लेकिन जागेश्वर और आरतोला के अलावा कहीं और नहीं जाना, अगर गाड़ी नहीं मिलती तो हमें नीचे बाज़ार तक जाना होगा, फिर वहाँ से कल सुबह जा सकते हैं हम। अभी देखते हैं गाड़ी आ रही है, पूछते हैं।